दिवाली के मौके पर मिठाई ना हो, ये कैसे हो सकता है। दिवाली पर मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इस त्योहार पर मिठाइयां खाने के साथ ही गिफ्ट भी देते हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खोए की बर्फी और सोन पापड़ी, इनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन मिठाई खरीदते वक्त सावधानी बरतना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिलावटी मिठाई से सेहत को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये मिठाइयाँ मिलावट की वजह से आपको बीमार कर सकती है। त्योहार पर मिलावट का बाजार खूब फलता फूलता है। मार्केट में आपको खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट मिलेगी। दिवाली पर मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों का मार्केट भी तैयार हो जाता है। इन मिलावटी मावे से तैयार की गई मिठाइयों में स्वाद तो होता है, लेकिन मिलावटी चीजों से बनी मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और लंबे वक्त तक इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। ऐसे में आपकी प्लेट तक पहुँचने वाले रसगुल्ले कितने स्वादिष्ट और सुरक्षित है, इस बात का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खाद्य विभाग की टीमें देश भर में जगह जगह छापेमारी कर मिठाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाली मिलावटी पदार्थों को भारी मात्रा में जब्त कर रही है, लेकिन शहर शहर और गांव गांव ये मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि नकली मावे का खेल कोई नया नहीं है, क्योंकि असली दूध से मावा निकालना महंगा पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो दूध में से 200 ग्राम ही मावा निकलता है, इसीलिए मिलावटी मावा बनाने का कारोबार जोरों शोरों से चलाया जाता है। नकली मावा बनाने में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है, और मावा का वजन बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च, आयोडीन और आलू भी मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, नकली मावा असली मावा की तरह ही दिखे, इसके लिए इसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर भी मावे को तैयार करते हैं। बता दें, मिलावट का ये खेल बेहद शातिर तरीके से चल रहा है, जिससे इसे पहचानना आम लोगों के लिए बेहद ही मुश्किल है। ऐसे में त्योहारों पर मिलावटी मावे और उससे बनी मिठाइयों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मिलावटी मिठाइयां खाने से न केवल फूड पॉइजनिंग हो सकती है, बल्कि किडनी और लिवर का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मिलावटी मिठाई खा लेते हैं, तो इन मिठाइयों के असर को कम करने के लिए डिटॉक्सिफाइड फूड का इस्तेमाल करें, जैसे एलोवेरा, पुदीना, नींबू का जूस। इससे शरीर में मिलावटी मिठाइयों के कारण जो टॉक्सिन्स गया होता है, उसे फ्लश आउट करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अधिक से अधिक पानी और छाछ पीजिए, इससे हानिकारक केमिकल शरीर से फ्लश आउट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।